दोस्तों, भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन को आईसीसी वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है। ऐसे में उनका पहला रिएक्शन सामने आया है, तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आपको बता दें, शिखर धवन का नाता भारतीय टी20 टीम से बहुत पहले ही टूट चुका था। इसके बाद वनडे टीम में भी अब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाल ही में शिखर धवन एनसीए की ट्रेनिंग के लिए मौजूद थे, इसके बावजूद भी उनका चयन एशिया कप के लिए नहीं हुआ था और अब वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ है। हालांकि टीम में नहीं चुने जाने के बाद धवन का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत की 1.5 अरब लोगों की दुआएं आपके साथ है, आप कप जीतकर घर वापस लाएं, और आगे कहा कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत टीम में चुने गए मेरे साथियों और दोस्तों को बधाई। 1.5 अरब लोगों की प्रार्थनाएं और समर्थन के साथ आप हमारी आशाओं को और सपनों को आगे बढ़ाते हैं, और आगे कहा कि क्या आप कप को घर वापस ला सकते हैं और हमें गौरवान्वित कर सकते हैं, पूरी कोशिश करो टीम इंडिया। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड की, तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव होंगे। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, शिखर धवन को टीम में न लेना भारतीय टीम का सही फैसला है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।